उसी घर में जा रहा हूँ जिस घर में तंत्र विद्या सिखाया जाता था, जिस घर की चर्चाएं हो रही थी कि उस घर के अंदर भूत रहता है, उस घर के अंदर जो है जादू टोना होता है, उस घर में डर लगता है जाने में। आइए वो घर हम दिखाते हैं। देखिए ये वही घर है जिस घर के अंदर जाने से डर लगता था, ये वही घर है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ सिंदूर दिखेगा, कैमरामैन दिखाएंगे आपको। देखिए ये सिंदूर है और यही सिंदूर है यहीं पर इसी स्थान पर इसी जगह पर वो तंत्र विद्या किया जाता था। ये महिला जादू सीख रही है और जादू सीखने के लिए अपनी इस मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी थी। ये बच्ची है, इसके गले में अभी भी 7 से 8 टाका लगा है और ये देख सकते हैं कि बच्ची के गले में बैंडेज बंधा हुआ है। तो ये बच्ची को बलि चढ़ा दी थी, ऐसा बात सामने आ रही थी। हालांकि जो तांत्रिक थे, जो इनको तंत्र विद्या सिखा रहे थे, कल उनकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। ये देखिए इनके हाथ देखिए जगह जगह, ये मतलब कि अवैध रहते हैं हमारा हाथ। अच्छा, जादू टोना है। हाँ, जादू। अरे देखिए इनका गला भी देखिए, देखिए ये गला देखिए, ये देखिए कैसे कटा हुआ और पूरा जिस्म इसी तरह कटा हुआ है। मैं वो सभी जगह नहीं दिखा पाऊंगा आपको जहाँ जहाँ कटा हुआ है, लेकिन ये देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये काटा गया, देखिए यहाँ पर काट दिया गया है और ये बगल में काट दिया गया है। थोड़ा पीछे दिखाइए, कपड़ा खोल के देखिए, ये पूरा बदन कहीं ना कहीं इसका जो है चाकू से काट दिया गया। ये बच्चा से पहले हम पूछ लेते हैं, बाबू ये सब कौन काटा है, इधर घूम के बताओ कौन काटा है। विष्णु सिंह। कौन काटा है? विष्णु सिंह। कौन है? भी होता था चाकू से काटे थे। अच्छा, दर्द भी होता था, खूब दर्द होता था। आप विश्वास को कहा, हमने पैसा उनका दलिया पर विश्वास हमारे घात को दलखिन, बच्चा के मार दलखिन वही दिन, तब हम विश्वास उठा दलिए। मासूम बेटी है, मर जाती नहीं, आपको दर्द हुआ? बहुत दर्द होले सर, बेटी चलते सब चीज त्याग के हमारे लिए अकेला, कोई तरह तीन जो ठीक को दबा। एक बेटी संध्या पहले मर चुकी। हाँ, 11 महीना के लड़की रे संध्या कुमारी, ओकरा जान लो लड़के, तब हम कलिए आवाज उठेवे पुलिस के साथ जाए छे। यानी पहले ये महिला सहती रही और सहते सहते इनकी एक बेटी संध्या 11 महीना के थी, वो भी कहीं ना कहीं इसी मामले में मर गई, क्योंकि वो जादू टोना और तंत्र मंत्र के चक्कर में। जब एक बेटी मर गई, दूसरी बेटी की जब कल इनका बलि चढ़ाया जा रहा था, तब कहीं ना कहीं ये महिला जागरूक हुई, जागी और आवाज उठाई, तब जाकर के पुलिस कार्रवाई की और पुलिस विष्णु सिंह को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाँ, यही वो घर है। हाँ, घर यही घर में। हाँ, हाँ। मतलब यहाँ क्या होता था घर में? मतलब आवत रहती तब पूजा पाठ करत रहती, कहत रहती पैसा लावे यहाँ आबि के। हम कहे पैसा नहीं है हमारा पास, गरीब लोग छे, पहला बच्चा खत्म होले, आब के कलखिन 12 बजे बच्चा तोर खत्म भ जत, 12 बजे आब के चक्कू मार दलखिन आ पैसा मांगलक। हम कहिए हम गरीब लोग पैसा कहाँ से दियन, तो कलखिन नहीं देव त आज मर जत बच्चा, आ से उ कह के गलखिन आ चक्कू मार दलखिन, मार के आ चलते रहखिन हाथ। तो खेत भरना लगा के 4.5 कट्ठा खेत भरना लगा के 25,000 रुपया दिलिए, तो पैसा लो लेलखिन आ कलखिन कि आब हमरा से नहीं होता। फिर ओके 10 दिन बाद एलखिन, कलखिन पैसा लाबो ना फिर ठीक कर देवा घर। हम कहिए आब हमरा पास बाबा एको गो रुपया नहीं, कलखिन यह से तो हमारे घर के खर्चा पानी चले है, यह से हमरा परिवार के दवाई चले, अगर ये नहीं पैसा देवो तू तो हमारे परिवार केना चलते, पैसा कौड़ी केना हेतु, बुढ़िया के दवाई चले। हम कहिए हम गरीब लोग कहाँ से दियन पैसा, तो कलखिन की लाभ नहीं तो बचा के जान से हाथ धो बैठबो। देखिए हमारे देश में या कह लीजिए पूरे दुनिया में अंधविश्वास में 10 लोगों में 4 लोग अभी भी इस बात को मानते हैं। जादू टोना एक अलग बात है, जादू टोना को भले साइंस ना मानती हो, लेकिन दुनिया के 10 लोगों में 4 लोग अभी भी इस चीज़ को मान रहे हैं। हालांकि साइंस के नए स्टडी में जो बात सामने आई उसमें ये खुलासा हुआ कि जादू टोना जो है वो है, और कहीं न कहीं वो जादू टोना उस आदमी के द्वारा किया जाता है जिस आदमी को किसी न किसी तंत्र के माध्यम से, या ये कह लीजिए कि जादू टोना आज से नहीं सदियों पुराना एक परंपरा रहा कि लोग जादू टोना करके लोगों को डरा देना, लोगों को प्रताड़ित करना, इस तरह की बात होती थी। जो ये महिला मेरे सामने खड़ी है, और मैं इस वक्त बिहार के समस्तीपुर में हूँ, समस्तीपुर जिला के एक गाँव है, कौन सा गाँव है? पूर्णिमा धर्मपुर। ये पूर्णिमा धर्मपुर गाँव पड़ता है, और ये कह लीजिए कि इस महिला जो खड़ी है, इस महिला के साथ एक खबर कल तेजी से वायरल हुआ। उस खबर में ये दावा किया जा रहा था कि ये महिला जादू सीख रही है और जादू सीखने के लिए अपनी इस मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी थी। ये बच्ची है, इसके गले में अभी भी 7 से 8 टाका लगा है और ये देख सकते हैं कि बच्ची के गले में बैंडेज बंधा हुआ है। तो ये बच्ची को बलि चढ़ा दी थी, ऐसा बात सामने आ रही थी। हालांकि जो तांत्रिक थे, जो इनको तंत्र विद्या सिखा रहे थे, कल उनकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। हालांकि ये महिला इससे पहले भी
इसी जादू टोना के चक्कर में इनकी एक बेटी थी लगभग 3-4 साल की, वो इसी में जो है वो मर गई। ये कह लीजिए कि विद्या तंत्र सीखने के चक्कर में जादू टोना में और वो चली गई। और अब इनको जैन सीखने के आरोप में लोग सब बता रहे थे कि ये जैन सीख रही है, क्या सच्चाई है ये हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें इनके एक बच्चे थे, थोड़ा बच्चे को ले आइए, एक लड़का है, वो भी तस्वीर दिखाएंगे ये कैसे पूरा बदन उसका कटा हुआ। उससे पहले महिला का भी देखा, दिखाएं अपना हाथ, ये देखिए इनके हाथ, देखिए जगह जगह ये प्यार में काटे, क्यों काटे हैं ये, मतलब कि अब रहते हमारा हाथ आवा। अच्छा, जादू चुना है। हाँ, जादू। अरे देखिए इनका गला भी देखिए, देखिए ये गला देखिए, ये देखिए कैसे कटा हुआ, और पूरा जिस्म इसी तरह कटा हुआ है। मैं वो सभी जगह नहीं देखा पाऊंगा आपको जहां जहां कटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चाकू से काट दिया गया है। इस बच्ची को भी काट दिया गया, कल इसकी बलि चढ़ा रही थी, लेकिन जब बच्ची रोई, आसपास के लोग चिल्लाए, आवाज हुआ, शोर मचा, तो पुलिस आए और पकड़ कर उनको गिरफ्तार करके ले गया है, जेल भेज दिया है। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये कपड़ा पहने हुआ, थोड़ा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, देखिए ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये काटा गया, देखिए यहाँ पर काट दिया गया है और ये बगल में काट दिया गया है, थोड़ा पीछे दिखाइए कपड़ा खोल के, देखिए ये पूरा बदन कहीं ना कहीं इसका जो है चाकू से काट दिया गया। ये बच्चा से पहले हम पूछ लेते हैं, बाबू ये सब कौन काटा है, इधर घूम के बताओ कौन काटा है। विष्णु सिंह। कौन काटा है? विष्णु सिंह। कौन है विष्णु सिंह? क्या बोल के काटता था, कैसे काटता था, दर्द भी होता था? चाकू से काटे थे। अच्छा, दर्द भी होता था, खूब दर्द होता था। आप रोते नहीं थे? रोते थे, मम्मी को बताते थे? यानी इस बच्चा का चाकू से, विष्णु सेन जिसका नाम ले रहा है, विष्णु का नाम, वो विष्णु जी कोई है, वही तांत्रिक है जिन्होंने इनको चाकू से काटा है, वही तांत्रिक है ना? हाँ वो है। अब कैसे आप लोग उनके जाल में फंस गए? मतलब कि अवैध रहतीन, मतलब ओकरा 4 साल पहले ना सास झाड़ फूक कर रहतीन, तो उ सब पैसा देते रहतीन, तो पैसा आब तो मर गेलखिन, तो हम कहलिए कि जे आब हमरा आरके माफ कर देथिन से, आब हमर सास तो मर गेलखिन, आब हम अपना बाल बच्चा ले सोचबे कि हिनका ले सोचबे। कहलखिन नहीं तोरा बहुते हो से घर दुआर हो, हमरा पैसा लाब, इहे से तो हमर पेशा है, ई धंधा है, से अगर नहीं पैसा देबो तो जान से मारल जेबो। मतलब यहाँ पर क्या होता था, ये जगह पर पूजा पाठ, मतलब रात के चारों बगल हुनकर तस्वीर दिखाई पड़ते रहे। आप इस घर में आने से क्यों डरते थे? डरते रहे कि यहाँ पर मतलब भूत प्रेत के वासना छले, हड्डी उड्डी रहते रहे, रंग उंग के सिंदूर आर के पोटलिया रहते रहे। अच्छा, कल जो बात आई कि आप अपने बच्ची की बलि चढ़ा रहे थे, क्या सच्चाई है? सच्चाई यह है कि हमरा से पैसा मांगते रहते, पैसा नहीं दिलिए तो हमरा कलखिन बच्चा के गला रेत दिलखिन, रेत घर में आके दे दिया। हाँ, 6:30 बजे गला रेत के चल गेलखिन, कलखिन पैसा नहीं देबो तो तोरा में है अथी करबा, मार देबा जान से बच्चा। तब हमें बच्चा के एना भ गए, लेकर चल गलिए शिव डॉक्टर यहाँ, वहाँ गलिए तो हम वहाँ से थाना में एंट्री के लिए, कहलिए पुलिस चौकी जाकर हम रिपोर्ट लिखबै छिए। तब कहलखिन कि जे तू जान जब हो, अगर पुलिस के कहो तो पुलिसो वाला के जुती आवे आ तोरो जुती आवे। मतलब वो पैसा मांगते रहतीन हमरा से, हम नहीं दिलिए तो हमारा बच्चा के गला रेत दिल रेत के। तब कहलखिन कि जे 25,000 रुपया लाबा तब तोर बच्चा ठीक होता, तो हम कहलिए 25,000 रुपया हमरा पास नहीं, हमें पुलिस चौकी जा। कहलखिन कि पुलिस चौकी जब हो तो तोरो जुतिया बात, पुलिसों के जुतिया भेजे, तू कहीं नहीं जब, हम तोरा ठीक कर, अगर दोसरो झा भगत लग जाइए तो ओहो में माना करते हैं जी, हम ठीक कर देव तोरा। आप, आपको विश्वास था इस जादू टोना पर, ओझा भगत पर विश्वास था? पहले विश्वास रहे सर, अब बच्चा टूट गए तहिया से हमारा विश्वास उनका पर। बेटी मर गई। हाँ, संध्या जकर नाम रहे, 11 महीना में। हाँ, 11 महीना के रहे तो मर गए। अच्छा, तो आपको भगवान पर भरोसा है कि जादू टोना पर भरोसा? अब हमारा भगवान पर भरोसा है, जादू टोना पर से विश्वास उठ गए हमारे। बच्चा विष्णु, विष्णु कौन था? विष्णु तांत्रिक रहे। तो आप जेल चला गया? हाँ, ओकरा। आप क्या कहना चाहेंगे? ओकरा हम यह चाहे छी जे कड़ी से कड़ी सजा ओकरा दिलवाबे, जे वो हमरा अगर छूट गेले जेल से तो हमरा आर के जिंदा नहीं छोड़ते। चलिए, महिला रो रही है, ये बता रही है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। ये बहन है, लक्ष्मी इनका नाम है। लक्ष्मी नाम है आपका जी? अच्छा लक्ष्मी जी, क्या हुआ था इस घर में, क्या कुछ हुआ था, तांत्रिक विद्या सिखाया जाता था, इस तरह की बात आ रही, क्या मामला है पूरा? ये सब बिल्कुल सही मामला है। जो आता था मतलब तांत्रिक, वो पैसा पुसा मांगता था, ब्लैकमेल और करता था। कौन था वो? विष्णु सिंह नाम का है। अच्छा। हाँ। और मतलब क्या आता था, बच्चे बच्चे को काट देता था और फिर चला जाता था। मतलब बच्चे को काटता था, दर्द होता था, चिल्लाता था तो पता नहीं चलता था? हाँ, चिल्लाता था, फिर जब देखते थे फिर चिल्लाता था, बच्चे रोता था, फिर आते थे देखते थे तो बिल्कुल काटा खोटा है, फिर डॉक्टर को फोन करते थे, फिर इनका इलाज करवाते थे, बोलता था तुम्हारे से ना अनाज और कपड़े छीन लूंगा। अच्छा। ना खाने के लिए लायक छोड़ूंगा, ना पहनने के लिए लायक छोड़ूंगा।
एक भी हमारे घर में कुछ नहीं था। मतलब कपड़ा भी सभी ले गए? सब कपड़ा सब जरा कोरा कर राख को देलखिन। कैसे? आग लगा को ओय पर आग लगा दे रतिन सुतर खातिर एगो बिछौना तक। यानी कि एक केमिकल, अभी पता है साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, एक केमिकल आता है, उस केमिकल को अगर दिन में रात में कि अंधेरे में किसी जगह रख दिया जाए और जब धूप की रोशनी उस पर पड़ेगी तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। शायद यही इनके साथ हुआ और इनके घर में इसी तरह से वो आकर के किसी बाहर के ये खिड़की की तरफ रख देता था, उसमें आग लग जाता था। लक्ष्मी है, उनके कपड़े में भी एक बार आग लग गया था। आपके आग लग गया था? हमारे भी सारे कपड़े जल गए थे और मेरा हाथ पैर भी जला दिया था, बाल भी जला दिया था पूरा। तो फिर आप इलाज करवाए? तो अब क्या हुआ, मतलब अब क्या होना चाहिए बताइए? अब क्या होना चाहिए, उनको कड़ी सजा दिलवाइए ताकि और किसी के साथ ना हो ये सब। हमारे तो आप लोग कैसे विश्वास के लिए जादू चुना पर? आप तो शिक्षित है। शिक्षित है तो, बट सब कुछ देखने के बाद तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। फिर विश्वास किया हम लोगों ने, पूरा हड्डी उड्डी कंकाल कंकाल रहता था घर में। अच्छा, कहाँ से आता था? यही खिड़की से, और वो खुद छोड़ कर जाता था यहाँ पे। वही सब देख के हम लोग और डर गए। वो रोज आता था? हाँ रोज आता था। घर में आप कितना दिन तक नहीं आए इस घर के अंदर? हम तो करनार रहते थे, ये 8 महीने से रह रहे हो, बीच में आते थे बिहार। नहीं, इस घर में नहीं घुसते थे पहले? ये घर में तो मैं 10 दिन बाद आई हूँ। अच्छा। हाँ, जब डर लगता था? डर बहुत लगता था। अब हम लोग आए तो अब आइएगा। हाँ जी। तो मतलब डर क्यों लगता था? डर लगता था यही सब देख के, जो कहीं जाएंगे कुछ हमारे साथ ही ना गलत कर दे। अच्छा। काट खोट दे, इसीलिए नहीं आते थे। अच्छा, आपको कहीं काटा भी है? नहीं काटा तो नहीं, बस आग लग गया था। आग लग गया था जी। हालांकि देखिए, इस घर में उस जो विष्णु सिंह नाम का व्यक्ति है जो तांत्रिक है, वो इस घर में तंत्र विद्या करने आते थे, इलाज के बहाने या किसी और बहाने या ये कर लिए। गांव की ये भोली भाली सी महिला है, ये गरीब परिवार है, इनको बूझने नहीं आता है। आप घर की स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गरीब परिवार होगा। अभी भी मिट्टी का दीवार इनके घर में बना हुआ है, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कितना? 5-10 लाख तो उनके पीछे फूंक दिए, सारे सारे जितना भी जमीन है ना हमारा सारा भरना लगा हुआ था। अच्छा, लेकिन लेकिन क्यों आप उसके साथ ऐसा किए, क्यों आप पैसा बर्बाद किए उनके पीछे? मतलब विश्वास दिलवाए तब तीन जम ठीक कर दवा तोरा, विश्वास को कहा मैं पैसा उनका दलिए, पर विश्वास हमारे घात कर दिलखिन, बच्चा के मार दिलखिन ओ दिन, तब हम विश्वास उठा दिलिए। मासूम बेटी है, मर जाती नहीं आपको दर्द हुआ? बहुत दर्द होले सर, बेटी चलते हम सब चीज त्याग के हार लिए अकेला, कोई तरतीन जे ठीक को दवा। एक बेटी संध्या पहले मर चुकी। हाँ, 11 महीना के लड़की रे संध्या कुमारी, ओकरा जान लो ललके, तब हम कलिया आवाज उठेवे पुलिस के साथ जाए चे चो। यानी पहले ये महिला सहती रही और सहते सहते इनकी एक बेटी संध्या 11 महीना की थी, वो भी कहीं न कहीं इसी मामले में मर गई, क्योंकि वो जादू टोना और तंत्र मंत्र के चक्कर में। जब एक बेटी मर गई, दूसरी बेटी की जब कल इनका बलि चढ़ाया जा रहा था, तब कहीं न कहीं ये महिला जागरूक हुई, जागी और आवाज़ उठाई, तब जाकर के पुलिस कार्रवाई की और पुलिस विष्णु सिंह को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि पूरा मामला क्या है ये आप समझ गएंगे, जादू टोना पर अंधविश्वास पर लोग अभी भी अपने आप को बलि चढ़ा देते हैं, लोग जान की बलि चढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस महिला पर जो आरोप लगा था कि महिला डायन सीख रही है, ये महिला जादू टोना सीख रही है, वो महिला गलत बता रही है। नहीं सर, सब झूठ है, गलत बात है सब सर। हमरा विश्वास दिलवाते रहतीन इतने कि हम ठीक कर देवा तोरा घर के, आज तब कौन माँ चाहते जो हमर बच्चा को बलि दे दिए सर, अहार पतिया सके छी। ठीक है, रोइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रशासन कार्रवाई कर रही है, मुझे भरोसा और उम्मीद है। यहाँ समस्तीपुर के SP साहब विनय तिवारी जी लगातार जो है एक्टिव है और कहीं ना कहीं इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। मैं अभी बिहार के समस्तीपुर जिला के उसी गांव में मौजूद हूं जहां से एक खबर कल वायरल हुई थी कि इस महिला के ऊपर आरोप लगा, जैसा कि कटाफटा इनका तीनों माँ बेटे जो है सबका शरीर जो है वो कटा हुआ है। चलिए, पूरा खबर आपको विस्तृत जानकारी दी, ये मेरा कर्तव्य था और मेरा काम भी है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना। मैंने अपना बखूबी अपना फर्ज निभाया है, आप लोग भी अपना बखूबी अपना फर्ज को निभा दीजिए, थोड़ा सा हेल्प कर दिए इस पीड़ित परिवार को, इंसाफ दिलाने में आप लोग इनकी मदद कर दीजिए।